बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुन है और ये मेरी बुआ की लड़की है। ये मेरे मामा जी की बेटी है। चले आगे। समृति और मैं प्रिंस की मासी की बेटी, बड़ी मासी की बेटी। तो हम अभी जा रहे हैं वाटी एस्टेट सिंस 1857। मुझे 1857 से ये जो टी गार्डन है, ये पालमपुर का सबसे फर्स्ट टी यहाँ पे उगाई गई थी। मतलब ये किसी ब्रिटिशर ने ऐसे जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था, वो कहीं से लेके आया था टी, उसने यहाँ पे उगाई और यहाँ पे टी उग कुछ गई। भी तो फिर वहीं से सबसे टी उगना यहाँ से चालू हुआ है। मतलब पालमपुर में, फिर कांगड़ा में, फिर ऑल्टर हिमाचल में भी जो भी है वो यहीं से टी के पौधे गए हैं। सो यहाँ पे ना पूरी ट्री की फैक्ट्री है कि कैसे ट्री बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। हम आपको अभी टाइम लगा तो दिखाएंगे, अगर एंट्री होती है तो, पर कोशिश करें एंट्री हो जाएगी। ये चाय एक आदत भी ना, एक दिन मुझे प्रधानमंत्री बना के छोड़ेगी। ठीक है, वहाँ किस स्टेट में आ गए? ओके, एक ब्रांड है एंड वहाँ एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है। अच्छा अच्छा। और इसका जो नाम पड़ा है वो जगह के नाम के ऊपर पड़ा है। ओके। क्योंकि ये जो गार्डन आप देख रहे हो, पहले अंग्रेजों ने लगाया है। अच्छा। अंग्रेज जब यहाँ रहते थे तो वो चाय के शौकीन थे जी, पर उस टाइम ये था नहीं कुछ भी। ये कोई लेके आया था ना ऐसे कोई? फिर क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ से ओपीएम जाती थी, मतलब अफीम जाती थी, छाया में रहते हैं ना धूमे के जाने। ठीक, तो फिर यहाँ से अफीम जाती थी और वहाँ से चाय आती थी। ओके ओके, मतलब कन्वर्ट। हाँ ठीक ठीक। तो फिर उन्होंने एक रॉबर्ट फॉर्च्यून करके अंग्रेज थे, उनको रिक्रूट करा, फिर वो यहाँ से चाइना गए और वहाँ से इसके बीज, इसकी कुछ कटिंग लेके आए। ओके। तो तब फिर जाके सारा ये कल्टिवेट, टी सी कहते हैं, जो यहाँ नहीं बनती, असम में बनती है, केरला मुनार वगैरह में, वो अलग पेड़ है। ओके। वो असामी का साइनेसिस है। ये वाला पेड़ है कैमेलिया साइनेसिस, जो कि चाइना से लाया हुआ है। जो चाय बनती है अपनी ग्रीन टी, उसके लिए ये वाला पेड़ परफेक्ट है। ग्रीन टी के लिए वही ये परफेक्ट है। मतलब हमें अगर अपना तंदुरुस्त रहना है तो ग्रीन टी ज्यादा, क्योंकि उसमें एंटी ऑक्सीडेंट जो होते हैं एकदम हाई रिच है। मतलब ओके ओके ओके। अब जितने भी टीज अपना हम बाहर पीते हैं, वो दूध वाला चाय तो वो सारा मतलब केमिकल बेस्ड रहता है काफ़ी कुछ। दूध वाला चाय तो वैसे ज़्यादा पीने से हमें गैस्ट्रिक हो जाती है या मतलब हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये वाली टीज उससे एकदम अलग है। ओके ओके। तो फिर जब 1905 मार्च फेक हुआ था तो यहाँ से अंग्रेज चले गए और एक मुस्लिम थे सर सिकंदर हयात खान, जो कि नवाब थे वहाँ, जगह जो पाकिस्तान में, उनको बेच के गए थे। अच्छा, उनको बेच के गए। जब पार्टीशन हो गया तो फिर वो मुस्लिम भी चले गए यहाँ से, खान साहब। तो उन्होंने फिर जब ये यहाँ रह गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी ऑक्शन करवाई थी 1953 में। ओके। तो तब से फिर जो खरीदा, अभी ओनर अलग है, दीपक प्रकाश जी जो कलकत्ता के हैं, तो तब से फिर उनके पास है। और ये जो नाम पड़ा है वहाँ, वो उस नाम से पड़ा क्योंकि वो वहाँ की जगह से आए थे। अच्छा। तो मैंने जैसे बचपन से ही देखा है कि मतलब ये ऐसे कैसे ही है पेड़, मतलब ये लगाए उसी टाइम के है। अच्छा। 1850 ऐसे ही कटिंग होती है ऊपर से, इसकी जैसे ट्रिमिंग लाइट रहती है, जैसे हर साल ही करते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, नीचे से काटते हैं यहाँ से, जो कि बहुत आगे तक है। तो ये 550 एकड़ का फैला है। अभी ये हिमाचल का सबसे बड़ा एंड सबसे पुराना टी स्टेट है। ओके। तो ये जो हम प्लग करते हैं वो सिर्फ ये करते हैं, जैसे ये है, जैसे टूली पे एक बटन, जैसे ये है टूली पे एक बटन, हम यहाँ से प्लग करेंगे। तो इसको प्लग करने के बाद जो फैक्ट्री में जाएगी तो या ग्रीन टी बनेगी या इसकी ब्लैक टी बनेगी। ओके ओके ओके। तो उसका मतलब ग्रीन टी होती है अनऑक्सीडाइज टी, ब्लैक टी होती है ऑक्सीडाइज टी। ये डिफरेंस है एक ही टी, एक ही पत्ता, एक ही पेड़। देखिए इस टी गार्डन की पूरी हिस्ट्री, ये कैसे इन्होंने यहाँ पे पौधा आया, कहाँ से आया, अब हम देखेंगे इसकी प्रोसेस और फैक्ट्री में देखेंगे कैसे प्रोसेस होके कैसे चाय पत्ती बनती है। चलो ओके। दलाई लामा करीन एंड सैफ जो फिल पार्टी जिन्होंने चाय वहाँ पे की और इसके बीच यहाँ से चाय पी थी, ये में जो रोबर्ट रूस है इन्होंने स्थापित करी थी, जो अपनी दूध वाली चाय है रंगपुर जगह है असम में। ओके okay, इन्होंने हाँ इन्होंने डिस्कवर करा था। ओके ओके। उसके बाद सब जगह से वो कल्टीवेट करवाया।
तो 1905 में लगभग वो गए थे, ये पाकिस्तान एक हुआ था बड़ा जबरदस्त, ये खान साहब यहाँ से गए फिर इनको बेच के गए थे, तो जो जिन्ना थे जिन्होंने पार्टीशन करवाया था तो उनके लेवल के थे ये। ओके, तो सर सिकंदर हयात खान तो बाहर नाम की जगह है, वहाँ के जो नवाब थे उनके लगते थे, तो खुद भी जैसे नवाब लेवल उस हिसाब से इनके ऊपर ही नाम पड़ा है, उनकी जगह के ऊपर कि वो बाकी जगह से आए थे। हर्बल टी मतलब आप कैमोमाइल फूल है गर्म पानी में डाल के पी लो, हर्बल टी हो गई। कैमोमाइल टी मैंने पी, बहुत अच्छी होती है नींद के लिए, जैसे एंड फ्लेवर टी इज मतलब ब्लैक टी है आइदर ग्रीन टी है, आप उसमें कोई भी फूल मिला दो कोई भी हर्ब मिला दो तो फ्लेवर हो, मतलब फ्लेवरिंग कर दिया आपने देसी पहले होती थी छनने के लिए, नहीं छनना नहीं है इसमें, इसमें क्या करना है कि ये रोलिंग कर रहे हैं। ओके ओके, पत्ती यहाँ से डालो जैसे ये ऐसी हुई ना, जैसे होने का जब पत्ती यहाँ डली है तो पत्ती ट्विस्ट होगी ऐसे, अच्छा पिस जाती थी। ओके ओके ओके, क्योंकि पत्ती का जब सेल टूटेगा तभी पत्ती के अंदर का अरोमा लिखकर जो है वो बाहर आएगा, तो ठंडा है अंदर। अब यहाँ किसी कोई एसी नहीं है, एक नॉर्मल पंखा है, पंखे से आ रही है, नॉर्मल पंखा बड़ा पंखा है, बड़ा जैसे एरोप्लेन के बड़े फैन होते हैं जो वहाँ से हवा कर रहा है, तो इन पत्तियों में क्या है मॉइस्चर है, 100% मॉइस्चर है, जब वहाँ से हवा आ रही है तो मॉइस्चर उड़ रहा है, तो मॉइस्चर की वजह से हमें ये ठंडापन महसूस हो रहा है। ओके, मॉइस्चर की वजह से जो भी इसमें 70% मॉइस्चर रिड्यूस करना है तब ब्लैक टी बनेगी। ओके ओके, अगर ग्रीन टी बननी होगी तो उसका मॉइस्चर हम ऐसे रिड्यूस नहीं करेंगे, उसमें हम रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग ठंडा लग रहा है यार सारे ना, जो भी ठंडे वाले इसके टी के जो मॉइस्चर है ना उसकी वजह से मैं ठंडी हवा आ रही है। ऊपर देखो स्लेट यूज किए गए हैं, सैल स्लेट्स, एक ट्रेडिशनल हिमाचली हाउस बनाने में पहले टाइम पे बहुत यूज करते थे, तो बड़ी बड़ी मशीनरीज जब मूव करेगी चक्की की तरह तो पत्ती ऐसे ट्विस्ट होगी तभी उसका अरोमा लेकर बाहर आएगा। ओके ओके, ग्रीन और ब्लैक दोनों में ही होगा। ओके ओके, उसके बाद अगर ब्लैक टी होगी तो इसके बाद नीचे बिछा देंगे, वो फर्मेंटेशन होगी ऑक्सीडाइज होगी, अगर ग्रीन टी है तो इसके बाद नीचे नहीं बिछाएंगे, ऑक्सीडाइज नहीं करवाना। ठीक है ठीक है, मशीन्स को कितना टाइम लगेगा, पहले तो हाथ से होता था ना, नहीं यहाँ ये सेकंड हैंड ली है हमने, नई नहीं है तो 50-40 यही होगी, इससे पहले बनी कब से पहले। इन्होंने टाइटैनिक जहाज बनाया था, ब्रिटिश कंपनी सिरको थी, उन्होंने इसका प्रोपेलर डिजाइन करा था, इसका प्रोपेलर टाइटैनिक जिन्होंने बनाया था। ओके, वी आर लकी कि अभी ये चल रही है। ओके, अभी भी डूबी नहीं है अभी तक, जैसे जहाज डूबा था वो अभी ये चल रही है, इसमें छः तो इसका 6 ले रहे हैं, वहाँ पे बड़ा भट्टी है जहाँ पे लकी बोला जाता है, उसका टेम्परेचर 275°C है, सूख के पत्ती यहाँ से एग्जिट जो है वो यहाँ से, अभी यहाँ पे जब सूखती तो उसका साइज प्रॉपर नहीं है, जैसे लंबी एकदम सूखी हुई थोड़ी थोड़ी घास की तरह दिखती है, जैसे लग रहा है ना अनप्रॉपर टाइप है, तो जैसे अब इसको अगर मार्केट में ले जाना तो एज पर रूल इसको एक साइज देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या मतलब ग्रेड, जैसे कपड़ा जूता कुछ भी हमने ग्रेड कहीं भी कंपनी में बना वो ग्रेड है, कोई धागा किसी का निकला है तो वो अलग हो गया, सस्ता निकल गया या पर नहीं रिजेक्ट हो गया, तो वैसे भी इसको हमने अभी सूटिंग करना है। रोस्टिंग के बाद ये लकड़ी के फट्टे में हाथों से इसको रोल करते हैं, उसके बाद दोबारा से रोल करते हैं, फिर इसको सिर्फ धूप में सुखा लेते हैं। ओके, इससे क्या ये सारा प्रोसेस ऑर्गेनिक है, किसी निको प्रोसेस नहीं है, बल्क में बनेगी तो ये मशीन है, वहाँ पे फिट होगा अभी तो वहाँ इकट्ठी 2.5-3 क्विंटल बोरी में पत्ती जाएगी रोस्टिंग, फिर वहाँ पे रोलिंग, फिर वहाँ पे ड्राई, खुशबू रहती है। अब इन चीज में अरोमा होता है जैसे ये इस वजह से बिकती है,
अरोमा, इसकी खासियत है। अब जो दूसरी सीटी सी उसमें नहीं आती, नहीं आती, उसमें क्या होता है कसावट होती है ज्यादा, इनमें कसावट कम होती है, कम होती है। अब ये लेते छाननी, छाननी इसमें उच्च सीधा जो है बड़े है, अब इस देखो आपको ये छोटे हैं। अब जब छानेंगे, जब यहाँ चला जाएगा तो ग्रेडिंग होती है प्रॉपर ना, यहाँ नहीं जाएगा तो फिर एग्जिट करेंगे ऐसे एक बार दो बार तीन बार और फाइनल आएगा। तो यहाँ पे से यहाँ से जो एग्जिट होकर हमें मिलता है वो प्रोडक्ट ये है, जैसे बड़ा ग्रेड सबसे अच्छा ग्रेड, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, फिर डी ग्रेड, जैसे डस्ट है, डस्ट जो है वो टी बैग में यूज होती है, टी बैग। एंड ये वाली जो है ये सारी यहाँ से कलकत्ता या यहाँ पे भी बिकती है या कुछ, तो ये सिर्फ इतना सा है, ये एक चाय का है, इतना सा डल गया तो एक चाय तैयार हो गई। और ये तो पानी में जाएगी इतनी सारी हो जाती है, मतलब ये बंद है ना अभी, हाँ। ये हमने बंद कर दिया, जाती है पानी में जैसे होगा तो अभी हम देखेंगे वो टेस्टिंग में आप देखोगे तो पत्ता सारा खिला खिला। 100 किलो पत्ती बाहर से आई प्लग करके, पूरी प्रोसेसिंग में जब इसको मैं पैकेजिंग में डालूंगा तो 20 या 22 किलो मिलेगा। ओके, 100 किलो में 20 किलो है, 80-75 किलो हमें नहीं मिलेगा, वो क्या है मॉइस्चर है इधर, वो जैसे अनवांटेड है। तो ये है हमारा सबसे जो मेहनत, बहुत मेहनत का काम है, बाद में कम मिलेगी। बस 100 किलो का खाली 20-22 किलो ही चाय पत्ती बन पाती है ना, फिर इसीलिए मिलेगा ही बड़ा काम, इतनी लेबर सारा। क्या इसका क्या कॉस्ट है 1 kg का? जैसे मिनिमम जो कॉस्ट है वो 1200-1500 की रेंज में है पर केजी, पर केजी 1200-1500 किलो रुपए। जैसे सीजनेबल तो ये 3-4 हज़ार रुपये, ज़्यादातर ये बाहर इम्पोर्ट होती होगी ना इंडिया, यहाँ से कलकत्ता जाती है, कलकत्ता से भी या तो बाहर जाएगी या तो जैसे बड़े बड़े ब्रांड के नाम से वो बाद में, जैसे टाटा है, हिमालयन ग्रीन डीगर के भी है, उसमें भी आती है। तो बनाने का जो हमारा सिस्टम है, जैसे अप्रैल टू अक्टूबर जो हमारा चाय का टेस्ट है, बस अरोमा का थोड़ा थोड़ा फर्क है, बाकी सारा एक ही क्वालिटी। अरोमा मतलब अलग अलग मंथ में अलग अलग अरोमा आता है, अप्रैल मई में थोड़ा ज्यादा आता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, पर क्वालिटी एक जैसी रहेगी, बस अरोमा का थोड़ा सा फर्क। ठीक। चलो अभी करते हैं चाय टेस्ट। ये फूल है कैमोमाइल फ्लावर, जर्मन फ्लावर भी कहते हैं, जर्मन फ्लावर कैमोमाइल। नहीं, ये दूसरे अमेरिका सिंह, इसको सुनो जरा, ये कैमोमाइल ऐसे टी जो हम बनाते हैं, मतलब रात को नींद नहीं आती उसको लिए, उनको लोग क्या बोलते हैं इंसोमिया की बीमारी हो तो हाँ, ये सुन लो, ऐसे भी आजकल सबको ही इंसोमिया, सबको ही है, मतलब वो है फोन की वजह से, फोन की वजह से मेन फोन है, फोन की फोन बंद कर दो ना, बंद कर दो ना फोन, आराम से सोएंगे सब। मसाला टी, ग्रीन टी, डिफरेंट फ्लेवर जो उन्होंने लगा के रखे हैं और हम बारी बारी टेस्ट करेंगे। You can buy happiness but you can buy tea and that's kind of the same thing. Wow, tea factory. So देखो यहाँ पे इन्होंने एक अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक मिट्टी का मटका लगाया जिसमें ठंडा पानी है, कैसा है? फेल है भाई, फ्रिज जो भी कहते हैं ठंडे सब फेल हैं इसके आगे। डस्टबिन के लिए देखो यहाँ पे भी सब ऑर्गेनिक है, प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं किया देखो। सो ये वाह ट्री के जो अलग अलग पैकेजिंग है जिसका देखो 275 × 200 ग्राम एंड दिस इज अ जॉइंट पेन है ना, जॉइंट पेनों के लिए है ये वाला, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये वाला, हाँ। इवन कि जब पेन में फेमस है कोई घीसा गास कुछ करते हैं उन लोगों को बहुत मेकअप वगैरह रहता है, हाँ मेकअप काफ़ी लगाते हैं वो जापान से, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके ओके, इसको क्या मतलब, इसको क्या रब करने, क्या करना है? रब करना है। एंड जैसे जो टी सीड ऑयल, टी के जो बीज हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर को अलग अलग यहाँ पे कप्स में कर दिया,
थोड़ा थोड़ा कड़वी नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा का कड़वी नहीं है? नहीं, कड़वी का मतलब है इसमें कड़वी का मतलब है कि अगर हमने उसको उबाल दिया है तो उबालना नहीं है, उबालने का मतलब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी में डाल के उबले हुए पानी में और 2 मिनट में इसकी पत्तियां खुल जाएंगी, मतलब खुल गई है तो ये बन गई है। अच्छा ये कौन सी है? लेमन ग्रास। लेमन ग्रास डाला है ग्रीन टी। अच्छा कश्मीरी कावा। सो हमारा टी फैक्ट्री का टूर हो गया ख़त्म। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जाके, यू नो लोकल होके हमें ये लगता था कि ये खाली पत्ती यहाँ लेते हैं, उसको सुखाते और बेच देते हैं, मुझे ये था कि प्रोसेस तो बट यहाँ पे आके देखे उसका प्रोसेस, उसकी अलग अलग वेराइटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 12-13 टाइप की हमने टी ट्राई भी की, 14 टाइप की टी ट्राई भी की और सबका अलग अलग फ्लेवर था। और सबसे अच्छी मुझे लगी एक मिंट वाली, रोज़ वाली एंड कश्मीरी कावा। तेरे को? मुझे कैमोमाइल, रोज़ टी एंड कश्मीरी कावा तो चलो मैंने पहले पिया हुआ है तो ज़्यादा पसंद है। मुझे कैमोमाइल पहले से अच्छी लगती है, कैमोमाइल टी ओके, वेरी गुड फॉर स्लीप। अगर लोगों को रात को नींद नहीं आती और स्ट्रेसफुल लाइफ है तो यू शुड ट्राई कैमोमाइल टी। आई सजेस्ट यू गाइस कि अगर आप कभी भी पालमपुर साइड आओ तो यहाँ ज़रूर आओ, और एक नॉलेज की बात होती है, एक हिस्ट्री होती है, और हम लोग चाय पीते हैं मतलब तो उसकी क्या अहमियत है, कहाँ से आई है, तो सबको पता होनी चाहिए ये चीज़। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आने वाले टाइम पे और भी यूनिक और मज़ेदार कंटेंट आने वाला है। सो चलते हैं हम चंडीगढ़ और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सो हमने पानी भर लिया है, ये ले दीक्षा। यहाँ से काफ़ी लोकल लोग, कोई भी यहाँ से गाड़ी जाती तो हरदम रुक के कोई ना हर कोई भरता है। अच्छा देख लो आप, ट्रक वाले रुके हैं, मैडम रुकी है, ये ले। हेलो मैडम, चलें।